हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप लैपटॉप लेना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज हैं, आई नो, क्योंकि मार्केट के अंदर यार हजारों लैपटॉप हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, लाइक कोई भी टेंशन में आ सकता है। मेरे टाइम पे ना, जब मुझे अपना फर्स्ट लैपटॉप लेना था ना, तो यार मैं भी सोचता था कि कितना सीपीयू एक स्टूडेंट लैपटॉप फिर मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा जीपीयू मुझे लेना चाहिए, कितनी रैम सही रहेगी, लाइक मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता था। एंड यार ऊपर से पता ना, डर भी लगता था कि यार अगर लैपटॉप भी ले लें, पैसे भी लगा लें, बट ऐसा नहीं यार कि यार 5-8 महीने बाद कभी उसकी हवा ना निकल जाए। मेरे टाइम पे मैं कंफ्यूज था, बट आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूं। अब ये हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि कौन सा सीपीयू आपके लिए अच्छा है, कौन सा जीपीयू आपके लिए अच्छा है, कितनी रैम रोम आपके लिए सही रहेगी, स्टूडेंट लैपटॉप में क्या होना चाहिए, गेमिंग लैपटॉप में क्या होना चाहिए, ऑफिस वर्क के लिए क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आपकी हर एक कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो वीडियो के एंड तक प्लीज जरूर देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि आपको ना गलत लैपटॉप ले और आपके पैसे कहीं पे वेस्ट हो जाएं। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, कि गाइस मैं आपके लिए ना इसी चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लाता रहता हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज जसदीप एंड यू आर वाचिंग टेक एक्सपर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस वीडियो में जो जो चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो है देखिए, सबसे पहला क्या आता है कि हम विंडोज लैपटॉप लें या फिर एक मैकबुक लें। तो देखिए तीन चीजें आती हैं बेसिकली, स्टडी, मल्टीमीडिया यूसेज एंड योर वर्क लाइक वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, कोडिंग एक्सेट्रा। तो इन तीन चीजों में से ना कोई भी एक चीज आपको करनी है, या फिर तीनों चीजें ही आपका इंपॉर्टेंस है ना। एंड ऑल्सो अगर आपको बजट की इशू बिल्कुल भी नहीं है ना गाइस, तो सी आंख बंद कीजिए एंड डायरेक्टली अपना मैकबुक की तरफ चले जाइए, क्योंकि इन तीन चीजों में ना मैकबुक्स को लाइक ना कंपीट करना काफी मुश्किल है। आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे विंडोज लैपटॉप के लिए, जो ये सारे काम काफी अच्छे से मैकबुक्स के अंदर कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको गेमिंग करनी है ना, तो आंख बंद कर लीजिए, भूल जाइए मैकबुक्स को। जो होते भी हैं मैकबुक्स गेमिंग के लिए नहीं होते हैं गाइस, मोस्टली लोग स्टडी, मल्टीमीडिया यूसेज, वीडियो एडिटिंग के लिए मैकबुक्स को यूज करते हैं। तो मैकबुक्स के बाद ना गाइस यहीं पे खत्म कर देते हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई और डाउट्स हो ना मैकबुक या फिर विंडोज से लेके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ना मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा। तो अब गाइस मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि विंडोज लैपटॉप है, उसमें भी सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिस्प्ले। तो अलग अलग डिस्प्ले की बात करें ना, तो 13 इंच की डिस्प्ले भी आती है, 14 इंच की, 15 इंच की, 17 इंच की भी आती है, अलग अलग रेजोल्यूशन भी आते हैं। उसके बाद में एक और चीजें डिपेंड करती है, लाइक डिस्प्ले कितना कलर एक्यूरेट है, एनटीएससी उसका कितना है। तो चलिए गाइस चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए अगर आपको स्टूडेंट लैपटॉप लेना है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको ना प्रेजेंटेशंस बनानी है, अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी बुक्स देखनी है, तो उसके अंदर 14 इंच से लेकर 15 इंच की स्क्रीन ना सफिशियंट होती है। अगर आपको कोई भी एक गेमिंग लैपटॉप लेना है, तो उसके अंदर देखिए 15 इंच अच्छी होती है, 16 इंच जो होती है ना वो सफिशियंट होती है। ऑल्सो मल्टीमीडिया लैपटॉप अगर आपको लेना है, तो 15 इंच से ऊपर या फिर 15 इंच भी सफिशियंट होगी गाइस। अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए लेना है, वही 14 इंच से लेकर 15 इंच सफिशियंट होगी। वीडियो एडिटिंग के लिए लेना है, तो 15 इंच या फिर उससे ऊपर सफिशियंट होती है। तो ये पॉइंट गाइस आपको हेल्प करेंगे, आप कभी भी अपना लैपटॉप चूज करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीजें आपके लिए सफिशियंट है, ताकि आप कम पैसों में अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज कर सके। अब सेकंड फीचर गाइस हम ना सीपीयू के बारे में बात कर रहे थे। अब सीपीयू के अंदर ना कंपनीज आती है, लाइक इंटेल होती है, एएमडी होती है। इंटेल के अंदर ना आपको प्रोसेसर i3 का मिल जाता है, i5, i7, i9 का मिल जाता है, देन उनकी जनरेशन होती है। तो गाइस क्या होता था, लाइक पहले ना एएमडी है ना वो इंटेल से इतना कम्पीट नहीं कर पाती थी, बट आजकल क्या है, जो एएमडी के 4000, 5000 और 7000 सीरीज आती है ना, वो इंटेल के साथ ना काफी अच्छा कंपटीशन कर पाती है। बट एक बात ये है गाइस, लॉन्ग रन के अंदर ना इंटेल काफी अच्छा है, लाइक वो ज्यादा स्टेबल है, हीट को आज काफी अच्छे से ना मेंटेन करता है, लाइक काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू एएमडी। अब चलिए टेबल पे आते हैं। तो गाइस अब अगर स्टूडेंट लैपटॉप की बात करें ना, तो देखिए अगर आपका टाइट बजट है ना यार, तो i3 आपके लिए सही है देखो, बट i5 ना सफिशियंट होता है। अगर गेमिंग लैपटॉप की बात करें ना, तो i5 है ना फॉर नॉर्मल एंड बेसिक गेमिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, बट i7 और i9 होगा ना आपका बेस्ट और सीरियस गेमिंग के लिए इस्तेमाल में आएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, काफी लोग आप में से होंगे, आप सोच रहे होंगे यार गेमिंग के लिए सीपीयू कहां पे इस्तेमाल होता है, लाइक जीपीयू तो आपने सुना भी है बट सीपीयू क्यों इस्तेमाल होता है। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए काफी सारे गेम्स होते हैं, लाइक माइनक्राफ्ट के बारे में आपने सुना है ना, उसके अंदर क्या है, जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनको ओरिएंटेशन एंड मैप लोडिंग, लाइक हर एक चीज के लिए ना सीपीयू काफी चीजों में इस्तेमाल में आता है। काफी सारे गेम्स होते हैं जो कि यार सीपीयू की कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप अगर ये सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल गलत है कि सिर्फ जीपीयू ही गेमिंग में काम आता है, सीपीयू भी गेमिंग में काफी हेल्प करता है। अगर आपको मल्टीमीडिया के लिए यूज करना है, तो गाइस i5 सफिशियंट आपके लिए। देन अगर ऑफिस वर्क के लिए चाहिए i5 आपके ना सफिशियंट, उसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है। एडिटिंग के लिए चाहिए i7 i9 गाइस मस्ट है। अगर आपको अच्छी एडिटिंग करनी है ना, तो लिटरली लाइक एडिटिंग एप्स है ना बेसिकली वो सीपीयू को चाहते हैं, प्रीमियर प्रो है ना सीपीयू को चाहते हैं, जीपीयू तो लाइक रेंडरिंग के लिए काम आता है, तो इसीलिए i7 एंड i9 मस्ट है। तो गाइस अब अपन अपने ना थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है जीपीयू। अब लाइक आपने सुना होगा किसी लैपटॉप में ना इंटेल के इंटीग्रेटेड यूएसडी ग्राफिक्स होते हैं। अब किसी लैपटॉप में लाइक मेरे लैपटॉप में भी ना एनवीडिया के डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है। जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं लाइक वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू इंटीग्रेटेड। तो अब चलिए टेबल पे आते हैं दोबारा से। अब देखिए वही स्टूडेंट लैपटॉप स्टडीज के लिए चाहिए इंटीग्रेटेड
सफिशियंट है, गेमिंग के लिए चाहिए डेडिकेटेड मस्ट है, उसके अलावा आपकी सीरियस की अच्छी गेमिंग ना नहीं हो सकती गाइज। मल्टीमीडिया के लिए चाहिए वही इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड सफिशियंट है, ऑफिस वर्क के लिए भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड सफिशियंट है, बट एडिटिंग पे अगर आप आएंगे तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड गाइज मस्ट है। देखिए एनवीडिया का या फिर कोई भी अच्छे से अच्छा अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड होगा ना आपको काफी मदद मिलेगी। ओसो गाइज अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये मुझे ना काफी एनकरेज करता है कि मैं आप सबके लिए ना ऐसा ही इंटरेस्टिंग टेक कंटेंट लाता रहूं। तो अब तक देखिए हमने ना डिस्प्ले की बात कर ली, सीपीयू जीपीयू की बात कर ली, अपना मेमोरी की बात करते हैं जो कि एक लैपटॉप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए गाइज मेमोरी के अंदर ना आपकी एक होती है रैम और एक होती है एसएसडी और एसएसडी जो कि आपकी रियल मेमोरी होती है। तो देखिए आप ना ऐसे मान सकते हैं अगर एसएसडी आपकी कोई स्पोर्ट्स कार है ना, टू सीटर स्पोर्ट्स कार है ना, वही एसएसडी आपका ना मान लीजिए कि ट्रक है। बट आई मीन कि एसएसडी होती है ना वो सेवरल टाइम फास्टर होती है एसएसडी से, उनका बूट टाइम कम होता है, देयर पावर कंजप्शन इज लेस, देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड्स तेज होती है उनकी एसएसडी के मुकाबले। बट आपको याद है मैंने एसएसडी को ना ट्रक बोला था, ऐसा क्यों? क्योंकि यार उसके अंदर ना ज्यादा स्पेस आपको मिल जाती है, लाइक स्पेस तो एसएसडी के अंदर भी होती है। अब देखिए अमेज़न पे चले, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं यहां पे 1 TB की हार्ड डिस्क देखूंगा ना, देखिए उसका प्राइस है 3500, बट ध्यान रखिए ये 1 TB की है, ठीक है। अगर मैं वही एसएसडी का देखूंगा ना जो कि 500 GB की भी होगी ना, उसका प्राइस भी देखिए 5244 रुपीज है, जो कि एसएसडी के 1 TB से भी ज्यादा है। यहां तक कि एसएसडी ना आप देख सकते हैं 7500 तक की भी मिल सकती है, यहां तक कि 20,000 तक की भी आपको एसएसडी मिलेगी जो कि सिर्फ 512 GB की है। बट क्या आपको एसएसडी की जरूरत है? तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो स्टडीज के लिए एसएसडी गाइस सफिशिएंट होती है, एसएच मैंने भी ना काफी सालों तक एसएसडी वाला लैपटॉप पे ही पढ़ाई की है। आपको 4 GB ऑफ रैम एंड 8 GB ऑफ रैम होगी ना वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगी स्टडीज के लिए। देन अगर हम गेमिंग की बात करेंगे ना उसके अंदर गाइस एसएसडी मस्ट होती है। देखिए उसके अंदर आपको 8 GB ऑफ रैम, 16 GB एंड 32 GB तक सफिशिएंट होगी। मल्टीमीडिया में गाइस एसएसडी विल बी सफिशिएंट बट एसएसडी विल ऑब्वियसली बेटर एज अ स्विचिंग बिटवीन मल्टीमीडिया platforms and opening and all will be very smooth. Also RAM की बात करें 4 ठीक रहती है, 8 GB of RAM sufficient होती है, office work के लिए 8 GB तक sufficient होती है, SSD guys matter करती है, आपको office work के लिए SSD सही चाहिए होती है because opening and closing of apps जो होता है ना वो office के अंदर like importance होती है लोगों की। Also बात आती है editing की, SSD must है, also editing के अंदर जितनी ज्यादा आपकी RAM है ना उतनी guys sufficient है। देखिए so I hope यार ये video देख के ना आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी स्पेसिफिकेशन हो, कोई भी फीचर, अगर आपको स्टूडेंट लैपटॉप चाहिए, अगर आपको गेमिंग करनी है, आप एडिटर हैं, तो कौन सी स्पेसिफिकेशन, कौन से फीचर इन लैपटॉप कैटेगरी में ना सफिशियंट होते हैं ताकि गाइज अपना अपना ज्यादा ज्यादा पैसा बचा सकें एंड उतनी वैल्यू में एक अच्छे से अच्छा लैपटॉप आप ले पाएं। ऑल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज या फिर कोई भी सजेशन होना तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, वहां पे मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।